नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरे डिटेल में बास्केट ऑर्डर के बारे में। देखिए, बास्केट ऑर्डर से आप मल्टीपल ऑर्डर्स एक साथ लगा सकते हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अगर आप बहुत सारे शेयर्स एक साथ बाय करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है। आपको सारे शेयर्स जो है बास्केट में ऐड कर लेनी है और उसमें जो है मार्केट प्राइस पे आप सभी शेयर्स को एक साथ बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ ETF हो गया, स्टॉक्स हो गया, उसमें SIP को भी आप क्रिएट कर सकते हैं बास्केट ऑर्डर के द्वारा। हर महीने आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बास्केट ऑर्डर के। साथ ही आपको बता दें, अगर अभी तक आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं इन सारे फीचर्स का बेनिफिट लेने के लिए। जैसे देखिए, पहला तो ये ऑर्डर हो गया, यहाँ सारे ऑर्डर आपको दिख जाएंगे, इंट्राडे में हो चाहे लॉन्ग टर्म में, आज जो भी ऑर्डर आपने प्लेस किया है बाय सेल का, तो ये सारे ऑर्डर आज के हैं। फिर GTT ऑर्डर, अगर आपने GTT ऑर्डर का वीडियो नहीं देखा है, कैसे आप लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, टारगेट लगा सकते हैं, तो आप GTT ऑर्डर के वीडियो को आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर बास्केट ऑर्डर, इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे आप बास्केट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो जो भी बास्केट आपने बना रखा होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। आपको अगर नया बास्केट बनाना है तो न्यू बास्केट पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको नाम रखना है। जैसे हम डेमो रख देते हैं, आपको हम डेमो के तौर पर ये बता रहे हैं, तो क्रिएट पर हमने क्लिक कर दिया। आपको यहाँ पर ऐड करना है सर्च एंड एंड इंस्ट्रूमेंट पर। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी स्टॉक्स ETF को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्यूचर और ऑप्शन उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो इंट्राडे में काफी हेल्पफुल रहता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मल्टीपल ऑर्डर लगाने हैं, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में बाय सेल करने का कोई स्ट्रेटेजी लगाते हैं तो एक साथ बाय और सेल करना होता है, क्योंकि ऑप्शन काफी तेजी से मूव करता है, तो वो भी यहाँ पर आप एक साथ कर सकते हैं। जो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जैसे स्टॉक्स ऐड कर लेते हैं, जैसे रिलायंस हमने ऐड कर लिया। देखिए, जैसे रिलायंस आप सर्च करेंगे, उसको ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएगा ये रिलायंस। फिर दूसरा हम स्टॉक्स यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जैसे हम TCS को ऐड कर लेते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर TCS का फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आता है, इसको भी ऐड कर सकते हैं, तो ये हम बाद में बताएंगे। तो पहले यहाँ पर स्टॉक्स को ऐड कर लेते हैं, फिर यहाँ पर आप ETF को भी ऐड कर सकते हैं। चलिए, जैसे हम निफ्टी के ETF को ऐड करते हैं, तो निफ्टी बीज ये हमारा ETF है, इसको ऐड कर दिए। तो यहाँ पर क्वांटिटी हम लेते हैं 5.3, इसको ऐड पर क्लिक कर देते हैं। देखिए, ये हमारा बास्केट बन गया जिसमें स्टॉक्स है, ETF है, सब कुछ है। आप यहाँ पर एग्जीक्यूट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, ये सारा ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमारे अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस है नहीं तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि रिजेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ एग्जीक्यूट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोला जाएगा कि प्लेस ऑल 3 ऑर्डर्स इन बास्केट, तो यस पे क्लिक करना है। देखिए, यहाँ सारा ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, मात्र कुछ सेकेंड में सारा ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। तो हमारे में बैलेंस पर्याप्त नहीं था, इसलिए सारे ऑर्डर रिजेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो होता है, जो ऑर्डर आपका प्लेस होता है वो इस क्रम में होता है, जो पहले स्टॉक से आपने ऐड किया उसका ऑर्डर पहले लगेगा, फिर कुछ ही सेकेंड के कुछ भाग में दूसरा ऑर्डर आपका लग जाएगा TCS का, फिर तीसरा यहाँ पर हमने जो ETF निफ्टी का ऐड किया है वो ऑर्डर लगेगा। अगर आपके अकाउंट में कुछ ही बैलेंस है तो पहला ऑर्डर जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरे के लिए बैलेंस नहीं है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का होता है, अगर आपके पास पर्याप्त अकाउंट बैलेंस होगा तीनों ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हम सिखाने के पर्पस आपको करें, इसलिए मैंने बैलेंस इसमें पर्याप्त नहीं रखा है। प्लेस करने के बाद आप इसको रिसेट कर सकते हैं, जैसे मैंने रिसेट कर लिया है। फिर से आप चाहते हैं प्लेस करना तो एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे, आप चाहते हैं बास्केट बना रहे हैं फिर कभी आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप क्लोज पर क्लिक करेंगे, ये बास्केट देखिए यहाँ पर बना आपका रह जाएगा। तो इस तरह से बास्केट ऑर्डर बना करके आप बहुत सारे स्टॉक्स को एक साथ, ETF को एक साथ बाय कर सकते हैं। फिर देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बाय सेल एक साथ कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ यहां से मार्जिन भी आप देख सकते हैं कि कितना मार्जिन आपको किसी भी स्ट्रेटेजी में, कोई हेज स्ट्रेटेजी बनाते हैं कितना मार्जिन लगेगा। निफ्टी जो अभी हमारा चल रहा है वो 17,077 के आसपास चल रहा है, तो हम यहाँ पर 17,100 का यहाँ पर लगा लेते हैं कॉल ऑप्शन। जैसे हम 17,100 के कॉल ऑप्शन को सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे इस पे, फिर यहाँ पर जो है सेल कर लेंगे। तो देखिए, सेल में यह रेड कलर आपको दिखेगा, तो यहाँ पर सेल कर लेना है, यहाँ पर ऐड कर देना है इसको। अब देखिए, अगर इसको सेल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए मार्जिन टोटल जो है 90,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए, 90,260 रुपीज। और फाइनल जो मार्जिन आपका सेटल होने के बाद, मतलब ये सेल होने के बाद एडजस्ट हो जाएगा 88,727 रुपीज पर। फिर यहाँ पर आप इस मार्जिन को रिड्यूस करना चाहते हैं तो इसके हेजिंग में आप दूसरे को बाय कर सकते हैं, जैसे हम 17,500 को बाय कर लेते हैं। अब देखिए, 17,500 पर हम क्लिक करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा बाइंग हो गया। अब देखिए, मार्जिन रिड्यूस होकर के मात्र 35,557 रुपीज पे आ गया। आपके
क्वार्टर होना चाहिए 90,000 और इतना फाइनल मार्जिन आपका लगेगा। और इस मार्जिन को और रिक्वायर्ड मार्जिन को घटाना चाहते हैं तो बाय ऑर्डर को पहले प्लेस करना है, इसको ऊपर कर देना है। यहाँ से ऊपर कर दिए बाय ऑर्डर को ड्रेन एंड ड्रॉप करके, आप देखिए मात्र 36,822 रुपीज चाहिए यहाँ पर। और इतना रुपीज वो अगर आपके अकाउंट में है तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा दोनों का दोनों। पहले बाय ऑर्डर लगेगा और कुछ सेकंड के अंतराल पे ही सेल ऑर्डर लगेगा, फिर फाइनल मार्जिन आपका 35,493 रुपीज पर सेटल हो जाएगा। यहाँ पर एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे दोनों ऑर्डर, अब देखिए यहाँ पर क्वांटिटी अपने अनुसार आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं जितना क्वांटिटी आपको बाय करना है। जैसे हमने 1000 क्वांटिटी दे दिया बाय करना है, फिर यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके आप 1000 क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। दोनों के हेजिंग में आपको 7,08,537 रुपीज चाहिए और यहाँ एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे दोनों ऑर्डर आपका एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। मात्र सेकेंड के कुछ भाग का अंतर रहता है, जैसे कि हमारे अकाउंट में बैलेंस मैंने पर्याप्त नहीं रखा है। जैसे एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे दोनों ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए एग्जीक्यूट पर हम क्लिक करते हैं तो दोनों ऑर्डर रिजेक्ट हो गया। इस तरह आपके पास पर्याप्त बैलेंस है, दोनों ऑर्डर यहाँ पर आपका एक्टिव हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट डिटेल में कि बास्केट ऑर्डर कैसे लगाते हैं। इसका यूज हम काफी ज्यादा करते हैं जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं तो हम हेजिंग स्ट्रेटजी लगाते हैं। जैसा कि स्ट्रेटजी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया तो मैं एक साथ बास्केट ऑर्डर को ही प्रीफर करता हूँ लगाना। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा किस तरह से आपके बास्केट ऑर्डर लगाना है, बास्केट ऑर्डर का यूज करके कैसे आप मार्जिन को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे अच्छे से एक साथ सभी शेयर्स को बाय कर सकते हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस तरह के एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।